उत्पत्ति अध्याय 37। उत्पत्ति अध्याय 37। याकूब तो कनान देश में रहता था, जहां उसका पिता परदेशी होकर रहा था। और याकूब के वंश का वृत्तांत यह है कि यूसुफ 17 वर्ष का होकर अपने भाइयों के संग भेड़ बकरियों को चराता था, और वह लड़का अपने पिता की पत्नी बिल्हा और जिल्पा के पुत्रों के संग रहा करता था, और उनकी बुराइयों का समाचार अपने पिता के पास पहुंचाया करता था। और इस्राएल अपने सब पुत्रों से बढ़ के यूसुफ से प्रीति रखता था, क्योंकि वह उसके बुढ़ापे का पुत्र था, और उसने उसके लिए रंग बिरंगा अंगरखा बनवाया। सो जब उसके भाइयों ने देखा कि हमारा पिता हम सब भाइयों से अधिक उसी से प्रीति रखता है, तब वे उससे बैर करने लगे और उसके साथ ठीक तौर से बात भी नहीं करते थे। और यूसुफ ने एक स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसका वर्णन किया, तब वे उससे और भी द्वेष करने लगे। और उसने उनसे कहा, जो स्वप्न मैंने देखा है सो सुनो। हम लोग खेत में पुले बांध रहे थे, और क्या देखता हूं कि मेरा पुला उठकर सीधा खड़ा हो गया। तब तुम्हारे पुलों ने मेरे पुलों को चारों तरफ से घेर लिया और उसे दंडवत किया। तब उसके भाइयों ने उससे कहा, क्या सचमुच तू हमारे ऊपर राज्य करेगा, वह सचमुच तू हम पर प्रभुता करेगा? सो वे उसके स्वप्नों और उसकी बातों के कारण उससे और भी अधिक बैर करने लगे। फिर उसने एक और स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसका भी यो वर्णन किया कि सुनो, मैंने एक और स्वप्न देखा है कि सूर्य और चंद्रमा और 11 तारे मुझसे दंडवत कर रहे हैं। यह स्वप्न उसने अपने पिता और भाइयों से वर्णन किया। तब उसके पिता ने उसको दपट के कहा, यह कैसा स्वप्न है जो तूने देखा है? क्या सचमुच मैं और तेरी माता और तेरे भाई सब जाकर तेरे आगे भूमि पर गिर के दंडवत करेंगे? उसके भाई तो उससे डाहा करते थे, पर उसके पिता ने उसके उस वचन को स्मरण रखा, और उसके भाई अपने पिता की भेड़ बकरियों को चराने के लिए शकेम को गए। तब इस्राएल ने यूसुफ से कहा, तेरे भाई तो शकेम ही में भेड़ बकरी चरा रहे होंगे, सो जा, मैं तुझे उनके पास भेजता हूं। उसने उससे कहा, जो आज्ञा, मैं हाजिर हूं। उसने उससे कहा, जा अपने भाइयों और भेड़ बकरियों का हाल देखा कि वे कुशल से तो है, फिर मेरे पास समाचार ले आ। सो उसने उनको हेब्रोन की तराई में विदा कर दिया, और वह शकेम में आया, और किसी मनुष्य ने उसको मैदान में इधर उधर भटकते हुए पाकर उससे पूछा, तू क्या ढूंढता है? उसने कहा, मैं तो अपने भाइयों को ढूंढता हूं, कृपा कर मुझे बता कि वे भेड़ बकरियों को कहां चरा रहे हैं। उस मनुष्य ने कहा, वे तो यहां से चले गए हैं, और मैंने उनको यह कहते सुना कि आओ हम दोतान को चले। सो यूसुफ अपने भाइयों के पास चला और उन्हें दोतान में पाया, और जो ही उन्होंने उसे दूर से आते देखा तो उसके निकट आने के पहले ही उसे मार डालने की युक्ति की, और वे आपस में कहने लगे, देखो वह स्वप्न देखने वाला आ रहा है, सो आओ हम उसको घात करके किसी गड्ढे में डाल देंगे और यह कह देंगे कि कोई दुष्ट पशु उसको खा गया, फिर हम देखेंगे कि उसके स्वप्नों का क्या फल होगा। यह सुनके रूबेन ने उसको उसके हाथों से बचाने की मनसा से कहा, हम उसको प्राण से तो न मारे। फिर रूबेन ने उनसे कहा, लोहू मत बहाओ, उसको जंगल के इस गड्ढे में डाल दो और उस पर हाथ मत उठाओ। वह उसको उनके हाथ से छुड़ाकर पिता के पास पहुंचाना चाहता था। सो ऐसा हुआ
कि जब यूसुफ अपने भाइयों के पास पहुंचा तब उन्होंने उसका रंग बिरंगा अंगरखा जिसे वह पहने हुए था उतार लिया और यूसुफ को उठाकर गड्ढे में डाल दिया। वह गड्ढा तो सूखा था और उसमें कुछ जल न था। तब वे रोटी खाने को बैठ गए और आंखें उठाकर क्या देखा कि इश्माएलियों का एक दल ऊंटों पर सुगंधि द्रव्य बलसान और गंधसर लादे हुए गिलाद से मिस्र को चला जा रहा है। तब यहूदा ने अपने भाइयों से कहा, अपने भाई को घात करने और उसका खून छिपाने से क्या लाभ होगा, आओ हम उसे इश्माएलियों के हाथ बेच डाले और अपना हाथ उस पर न उठाए, क्योंकि वह हमारा भाई और हमारी ही हड्डी और मांस है। सो उसके भाइयों ने उसकी बात मान ली। तब मिद्यानी व्यापारी उधर से होकर उनके पास पहुंचे। सो यूसुफ के भाइयों ने उसको उस गड्ढे में से खींचकर बाहर निकाला और इश्माएलियों के हाथ चांदी के 20 टुकड़ों में बेच दिया और वे यूसुफ को मिस्र में ले गए। और रूबेन ने गड्ढे पर लौटकर क्या देखा कि यूसुफ गड्ढे में नहीं है, सो उसने अपने वस्त्र फाड़े और अपने भाइयों के पास लौटकर कहने लगा कि लड़का तो नहीं है, अब मैं किधर जाऊं। और तब उन्होंने यूसुफ का अंगरखा लिया और एक बकरे को मार के उसके लोहू में उसे डुबा दिया और उन्होंने उस रंग बिरंगे अंगरखे को अपने पिता के पास भेजकर कहला दिया कि यह हमको मिला है, सो देखकर पहचान ले कि यह तेरे पुत्र का अंगरखा है कि नहीं। उसने उसको पहचान लिया और कहा, हाँ यह मेरे ही पुत्र का अंगरखा है, किसी दुष्ट पशु ने उसको खा लिया है, निसंदेह यूसुफ फाड़ डाला गया है। तब याकूब ने अपने वस्त्र फाड़े और कमर में टाट लपेटा और अपने पुत्र के लिए बहुत दिनों तक विलाप करता रहा और उसके सब बेटे बेटियों ने उसको शांति देने का यत्न किया, पर उसको शांति न मिली और वह यही कहता रहा, मैं तो विलाप करता हुआ अपने पुत्र के पास अधोलोक में उतर जाऊंगा। इस प्रकार उसका पिता उसके लिए रोता ही रहा और मिद्यानियों ने यूसुफ को मिस्र में ले जाकर पोतीफर नाम फिरौन के एक हाकिम और जल्लादों के प्रधान के हाथ बेच डाला।